सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपका अपना दीपांश छानेवाला स्वागत करता हूं आपका एक नए व्लॉग के अंदर। तो गाइस, अभी हम हैं दुबई के अंदर और क्या करने आए हैं और कौन कौन आए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम आपको बताते हैं हम कब चले थे और कब पहुंचे हैं। ठीक है भाई, फ्लाइट उठा रहे हैं गुलदार छानीवाला छानीगांव से, साथ को पायलट शिवा जांगड़ा के डाउन से। आपकी यात्रा मंगलमय हो, चाय का कप नीचे ना फेंकी हो, सीट की पेटी बांध लें। टेडी हो भाई, जाते बारी सीट भाई, टिकट काट दे मारे। कैसा कर रहा है सफर? ठीक ठाक ही। हसी 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 रत गए। तो फाइनली भाई पहुंच गए हैं दुबई और ये देखो भाई सबकी हालत टाइट। अब चलते हैं होटल में और जाके देखते हैं क्या कुछ कैसा है दुबई। तो गाइस, हम चले थे भाई कल दिल्ली से फ्लाइट में और यहाँ पहुंचे हम कल दोपहर को 3 बजे कुछ। उसके बाद भाई हमने टैक्सी वगैरह लेके हम यहाँ पे आए होटल में जो कि शारजा में है। और सबसे मतलब हमारा जो ट्रिप खराब करने वाली बात थी, कल शिवा भाई का फोन उस टैक्सी में मतलब रह गया, तो काफी फोन वगैरह किया पर फोन मिल गया वापस। तो भाई फोन आज सुबह वो दे के चला गया बंदा, थैंक यू सो मच उसको भी और दुबई के जिसने भी हमारी हेल्प की उन सबको थैंक यू सो मच। अब भाई हम जा रहे हैं लोकेशन रेकी के लिए और ऐसे काफी एक्साइटेड हूँ मैं भाई आज के लिए, क्योंकि आज काफी लोकेशन देखने को मिलेगी और नई नई जगह दुबई भी घूम लेंगे इसी बहाने। तो पहले मैं आपको सबसे मिलवा देता हूँ, उसके बाद में जो हमें लेने के लिए आ रहे हैं उनसे भी मिलवाएंगे और कहाँ जा रहे हैं वो सब भी दिखाएंगे। तो चलो, ये हमारे साथ है हमारे गुलजार भाई हॉटस्पॉट मांगते हुए। भाई कैसा रहा कल का दिन और कैसा रहा आज का दिन, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, आज रेकी कराएंगे सारी लोकेशंस की, सारे देखेंगे दुबई में किसी किसी लोकेशंस है के कुछ कर सका। क्यों गोविंद ध्यान में ही कोनी बोल लेने के लाग रहे हूं, क्या बोलना लाग रहे हूं? रेकी करेंगे आज। हां आज रेकी कर लाग रहे हैं भाई। कल का दिन कैसा रहा? कल का दिन भी बढ़िया था, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलो ठीक है। गोविंद भाई कल का दिन कैसा रहा? मैं तो सारे दिन बढ़िया था। सारे दिन बढ़िया, शिवा भाई कहाँ हैं? शिवा भाई बड़े खूब हैं। ऐ बंदा की बात मंगल करें मलक पाओगी। ऐ बंदा है वो की पूछे देख ले। ये भाई यहाँ पे सारा सामान जो है हम अभी पैक कर रहे हैं, अभी हम ढूंढते हैं शिवा भाई को। शिवा भाई कहाँ हो? बाथरूम में। कल का दिन कैसा रहा? अच्छा पक्का? पक्का नहीं तो भाई ये हमारा रूम वगैरह सब मतलब हमने बिल्कुल उजाड़ दिया, उड़ा के सबकी में। बाकी भाई इब जान लाग रहे हम लोकेशन देखने खातर और हमें जो लेने के लिए आ रहे हैं वो भी यहीं के रहने वाले हैं। नाम मेरे को पता, क्या नाम है उनका? अक्षय जी हमें लेने के लिए आ रहे हैं और वो हमें सारी लोकेशन दिखाएंगे और साथ में हमें दुबई घुमाएंगे भी। तो चलो चलते हैं। गाइस अभी हमें लेने आने वाले हैं राकेश भैया और गुलजार भाई ने मेरे को एक नंबर की बात बताई है कि मेरा फेस फिनिशिंग में लग रहा है, ग्रूम लग रहा है, तो आज यही टप्पा पकड़ के रखेंगे।
मतलब आज यही बात पकड़ के रखेंगे कि मेरा फेस फिनिशिंग में लग रहा है। भाई मेरा फेस किसको लग गया? देखा भाई भी नहीं बोल पा रहे मेरा फेस इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फिनिशिंग में इतना लग रहा है ना भाई, वैसे कंफ्यूज हो गए, सोचने लग गए कि क्या बोलूं इतने सुंदर लड़के को। मैं तो सिस्सा निकला रहे हूं भाई साहब कैमरा में। देखा मेरा फेस ऐसा फिनिशिंग में लग रहा है। तो गाइस अब टाइम आ चुका है होटल से चेकआउट करने का, अब हम जा रहे हैं लोकेशन देखने के लिए और हमारी गाड़ी भी आ चुकी है और लिफ्ट भी, तो चलते गाइस जाके देखते हैं कैसी कैसी लोकेशंस आज हमें देखने को मिलेगी और दुबई भी घूमेंगे। तो भाई गाड़ी आ चुकी है, अब बस निकलने की तैयारी है और जाके अभी हम अलग होटल लेंगे दूसरा, क्योंकि भाई हम अभी आउटसाइड आ गए हैं काफ़ी रात को, क्योंकि अर्जेंट था होटल करना इसलिए आउटसाइड आ गए हैं। अभी हम जाएंगे दुबई के बिल्कुल दुबई में जाएंगे, शारजा में है अभी, तो दुबई जाएंगे और जाके एक अपार्टमेंट लेंगे, उसके बाद में सारी लोकेशंस देखेंगे। तो भाई आ रहे हैं, भाई का वेट कर रहे हैं और फिर जाएंगे गाड़ी में। यहाँ की लोकेशंस तो हमने देख ली है, अब जा रहे हैं एक और लोकेशन है वो देखने के लिए। उससे पहले भाई कुछ खाएंगे, खाया नहीं है कुछ भी, खाना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ भाई मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि रोड क्रॉस करते वक्त अगर रोड पे पैर रख दिया तो गाड़ियाँ वहीं रुक जाएंगी। देखो जैसे अब वो आ रहे हैं तो गाड़ियाँ रुक चुकी है, अब ये निकल चुके हैं तो गाड़ियाँ पास हो रही है। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो भाई एक छोटी सी ई बाइक ले सकता है। ये है भाई लोकेशन नंबर 2। खाली है बिल्कुल ये, और बटन दबा दियो लाल वाला। जब पीछे गाड़ी खड़ी होगी ना ये दीवार छुप जाएगी। तो भाई ये वाली लोकेशन काफ़ी पसंद आई है हमें और काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है, तो अब चलते हैं दूसरी लोकेशन पे जो, अरे यार मेरा फेस इतना गंदा कैसे यार। अब जाएंगे दूसरी लोकेशन पे जो थोड़ी सी आउटसाइड में है। अरे यार गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी जल्दी चलती। तो ये है लोकेशन नंबर 2 ब्रिज के नीचे, और यहाँ पर काफ़ी सॉन्ग शूट हो चुके हैं मतलब हाई लेवल के, और क्या बात है, ये सच में काफ़ी अच्छी लोकेशन है। ये देखो कितनी अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे बिल्कुल साफ पानी ब्लू कलर का, इधर रात में वो लगता है पानी ना कलरफुल। यहाँ पे रात को पानी कलरफुल होता है एंड दिस साइड। ये लोकेशन भी काफ़ी अच्छी थी शिवा भाई, अब चलते हैं दूसरी लोकेशन के ऊपर देखने के लिए। बहुत अच्छी थी और सच में काफ़ी अच्छी लोकेशन थी, बड़ा प्यारा। अब तक जितने भी लोकेशन देखे हैं सारी काफ़ी अच्छी हैं, बट उनमें हमें सेलेक्ट करनी कौन से पे क्या सीक्वेंस शूट करना है। काफ़ी लोकेशन है अभी तो और भी बाकी हैं देखनी है, चलो देखते हैं वो भी देखने। चलो फ्लैट भी देखने। चलो मैं थोड़ी चलाने लग रहा हूँ बर्थडे, इसलिए फॉर्म फ्लैट भी देखने। अभी तो बुक के फॉर्म फ्लैट लेना है, वो भी देखना है, अभी वो पसंद करना है और शूट के बाद बुकिंग करवानी है। नहीं वो खरीदना ही है अभी। हाँ खरीदना था। अभी हम आ गए हैं दूसरी लोकेशन पे जो अभी अंदर जाके देखेंगे, और काफ़ी धूप पड़ रही है यहाँ पे, फेस काफ़ी साफ दिख रहा है हमें हमारा काफ़ी, तो चलते हैं अंदर अभी देखते हैं। बाकी अभी मैं आपको डॉल्फिन की शेप की बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये देखो ये 1 2 ये 2 डॉल्फिन है, ये हम आ गए हैं काफी ऊंचाई पे। ये देखो भाई 2 डॉल्फिन और ये लोकेशन, वाह क्या लोकेशन है। ये ऊपर भाई इन्होंने जो हमारे
जगराते में, शादियों में ऊपर कलरफुल नहीं लगते वैसे, बस यहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्न है तो यहाँ पे इन्होंने लड़ियाँ लगा रखी है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शायद वो सूखने के लिए लटका रखी होगी। ये देखो ये काफ़ी रिच फील लगी गुलजार भाई को, ऐसा लग रहा है जैसे पेरिस में आ गए। वाह बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी सी, फ़ोन की क्वालिटी भी एक अलग लेवल पे निकल के आ रही है। ये देखो भाई पता नहीं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और एक ये साइड आर्ट बना रखा है, मतलब नीचे मॉल है एक उसका, फिर काफ़ी अच्छा है ये, धागे से बांध रखा है। मन तो दिखा, देख लियो थे भी देख लियो। अच्छा ये देखो शिव भाई देखो ये हेडफोन लगा के गाने सुनने जा रही हैं। चुटी 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 ये हल्क यहाँ खड़े हैं, लोग अवेंजर्स में ढूंढ रहे हैं। ये सिटी वॉक है भाई यहाँ की दुबई की। ये देखो भाई ये इन्होंने सर्दियों का थीम बनाया है, लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे बाड़ी इकट्ठी कर रखी हो हरियाणा में। अरे दो तीन कट्टे महंगे ले रहे हैं बाड़ी के, बाड़ी के हाँ टिंडा टिंडे टिंडे जनसुगेजे बिनोले छोटे चलो जो कैंसिल करो कपास के भी। ये देखो भाई ये नीचे ये वहाँ पे भी बाड़ी इकट्ठी कर, ये देखो भाई ओहो ये जैपनीज इनका पहनावा और काफी अच्छा है, साफ सुथरा है। हाँ तो यहाँ पे काफी आर्ट वर्क कर रखा है अलग अलग चीजों का, जैसे कि ये कपास और ये छत बना रखी है, काफी देखने की चीजें हैं दुबई में। यो 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 किसी की लगी लोकेशन? लोकेशन बहुत बढ़िया लगी। अच्छा अभी तो काफ़ी देखनी है, अभी तो देख ही लिया है, काफ़ी बात की गर्मी बहुत है बस बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे दीपांशचानी वाला जी मुन्ना भाई, इनका क्या ही कहना भाई, बहुत अच्छे मतलब वो व्लॉगर हैं ये। तो भाई लोकेशन की रेकी करके अब हम आ चुके हैं होटल में, अब रेस्ट करेंगे थोड़ी देर और फिर निकलेंगे रात को कपड़े वगैरह शूट के और दो चार लोकेशंस और देखने के लिए। और अभी मैं जा के आपको अपना रूम दिखाता हूँ पहले। तो भाई अभी हम आपको दिखाते हैं हमारा रूम, इस साइड ही है ये शानदार सी बालकनी जो हमने ख़राब कर दी बैग वगैरह रख के, और यहाँ पे सोफ़ा है, टीवी है और साथ में फ़ोन है, उस साइड बालकनी है और इस साइड ये टॉयलेट है एंड इस साइड ये किचन है। यहाँ पे हम सब कुछ बना सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, साथ में ये इलेक्ट्रिक गैस है और बनाने के लिए सारे बर्तन वगैरह सब रखे हुए हैं। और ये इस साइड कुछ नहीं है, उस साइड बालकनी है, फ्रिज है और एक ये अलमारी है, एक रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ पे है, टॉयलेट है दोनों रूमों के अंदर और टॉयलेट है दोनों रूमों के अंदर। और इस साइड ये बालकनी है जो काफ़ी शानदार व्यू है इस साइड पर, दिखा नहीं सकते सॉरी। और ये हम हैं जो आपको सब दिखा रहे हैं। तो अभी करते हैं थोड़ा रेस्ट भाई और फिर चलेंगे रात को कहीं पे बाहर कुछ खरीदने या फिर कुछ खाने या फिर कुछ लोकेशंस देखने, और काफ़ी लोकेशंस जो है बाकी रह कुछ लोकेशंस भाई बाकी रहती है अभी, तो वो पूरी करेंगे और आज का व्लॉग एंजॉय करेंगे, आप भी करो हम भी करो। निकल चुके हैं दुबई में, रात को एक बज के डेढ़ बजे हुए भाई यहाँ पे, और इंडिया के हिसाब से शायद दो ढाई बजे हुए हैं।
तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खरीद देंगे सुबह के लिए 24/7 से, और साथ में बैठेंगे कहीं पे आराम से, थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे लाइफ के बारे में, और आगे काफ़ी प्लानिंग चल रही है सॉन्ग्स की भी, और काफ़ी प्लानिंग चल रही है तो आपको भी धीरे धीरे बताएंगे, एकदम ऐसे व्लॉग में बता नहीं सकते, तो उसके बारे में बैठ के प्लान करेंगे, देखेंगे रोड को, थोड़े सुकून मिलता है माइंड को, क्यों दिल्ली में चीज़ सारी है पर शांति नहीं है एक तरीके से कहा जाए तो, क्योंकि इतना ट्रैफिक है दिल्ली में, इतना ट्रैफिक है, बंदा अगर बाहर निकलेगा ना तो उसका दिमाग ख़राब होगा जब वो अंदर वापस घर पे आएगा तो बस उस शांति के लिए बैठने जा रहे हैं, देखते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा खास शांति यहाँ पे भी नहीं है क्योंकि भाई गाड़ियों में इतने बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगवा रखे हैं, साथ में काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और भूं भा हो रही है, के बतावा धरती बस उरे तनु कर लियो, कितना भी अमीर बंदा होना है उरा के दुबई आके नु फिर फील हो जाएगा अस्ती के वो गरीब है, क्यों भाई उरा के अस्ती फील हो जाएगा वो गरीब है नु तो पीछे दे ना एक दिरम दो दिरम दस दिरम कैलकुलेटर चल जाएगा माइंड में, इतने लाख के 250 रुपये की टॉफी दे दी, 300 रुपये की टॉफी दे दी, बाकी कोई बात को नहीं, दिल तक खर्चो भगवान दिल तक देगा, और माइंड तक खर्चोगे तो भगवान भी माइंड तक देगा। ये यहाँ पे कर दिया इसको ऑन और वो वहाँ पे हो गया ग्रीन, चलो अभी भैया सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी हम जब क्रॉस करेंगे, हमारे क्रॉस करने के बाद ही ये गाड़ियाँ हमें वापस क्रॉस करेंगी, और ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही आप रोड क्रॉस कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया बात लगी मेरे को यहाँ पे, और हर जगह है, कैसे भी करो गाड़ियाँ नहीं जाएंगी आपको क्रॉस नहीं करेंगी। अभी हम जा रहे हैं सुपर मार्केट कुछ लेने के लिए और वहाँ से लेके फिर हम वापस कहीं बैठेंगे। भाई आइसक्रीम वगैरह खा ली है, अब जा रहे हैं भाई वापस होटल में, काफ़ी बातचीत की और टाइम स्लैप भी बनाई भाई आपने देख ही ली होगी, अब चलते हैं होटल और होटल जाके सोएंगे। वैसे हम यहाँ पे थोड़ी देर और बैठने वाले थे क्योंकि काफ़ी बातचीत कर रहे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे भाई कुछ लड़ाई हो गई किसी की, इंडियंस ही थे तो काफ़ी अजीब सा माहौल हो गया था, तो मैंने सोचा चलना ठीक है यहाँ से, भाई चलते हैं अब होटल में और वहाँ पे जाके अब सोएंगे और सुबह भाई जल्दी उठना है। काफी थकान बुरा। तो भाई अभी हम आ गए हैं हमारे रूम में और सभी सो चुके हैं, मैं और गोविंद भाई भी, बस भाई अब सोने जा रहे हैं, तो इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और देखते रहो छाने वाला ब्रदर्स, काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं चैनल पे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें छाने वाला ब्रदर्स को, काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं चैनल के ऊपर, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।